बॉलीवुड और विवाद मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है। कभी मी टू को लेकर बॉलीवुड चर्चा में तो कभी राजनीतिक बयानबाजी से सुर्खियां बटोरने वाले फिल्मी जगत के बड़े बड़े सितारे सामने आते रहते हैं। हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स मामला काफी चर्चा में था। पिछले कई महीनों से बड़े बड़े टीवी चैनलों में सुर्खियां बटोरने के बाद अब बॉलीवुड फिर एक बार चर्चा में है। इस बार पोर्नोग्राफी से चर्चा में बॉलीवुड अभिनेत्री गहना वशिष्ठ। ये वही गहना है जो हाल ही में रिलीज वेब सीरीज गंदी बात में अपने बोल्ड अभिनय वाले चरित्र से वेब सीरीज की दुनिया में लाइमलाइट में आई थी। उक्त वेब सीरीज में गंदा बात करते करते गहना ने वो गंदा काम कर दिया जिसका उम्मीद उनके फैंस को न था। गंदा काम यानी पोर्नोग्राफी। अश्लील फिल्म मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके बाद अभिनेत्री गहना वशिष्ठ पोर्न वीडियो मामला उजागर हुआ। मुंबई पुलिस ने गहना को गिरफ्तार कर लिया है। गहना पर आरोप है कि वो पोर्न वीडियो बनाकर अपने वेबसाइट में अपलोड करती थी। पुलिस के मुताबिक गहना अब तक 87 पोर्न मूवी बनाकर उन्हें अपने वेबसाइट में अपलोड कर चुकी है। गहना वशिष्ठ को हाल ही में गंदी बात वेब सीरीज से काफी पहचान मिला मगर इनका करियर काफी लंबा है। फिल्मों में आने से पहले वंदना तिवारी के नाम से पहचाने जाने वाली इस अभिनेत्री मॉडल ने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदलकर गहना वशिष्ठ कर लिया। मिस एशिया विकनी रह चुकी गहना वशिष्ठ 7 से ज्यादा वेब सीरीज और दर्जनों भर से ज्यादा म्यूजिक वीडियो अभिनय करने के अलावा 80 विज्ञापनों में भी काम कर चुकी है। पोर्न वीडियो मामले में गहना के अलावा दो अभिनेताओं, एक लाइटमैन, एक महिला फोटोग्राफर और एक ग्राफिक डिजाइनर को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटरटेनमेंट एक्स, न्यूज 12, असम नॉर्थ ईस्ट।